दिल्ली सरकार में मंत्री और आप विधायक आतिशी ने 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने को लेकर शुरू हुए विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नए वायस राय आए हैं, वे राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एलजी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनी हुई सरकार का अधिकार है। आतिशी ने आगे कहा कि 15 अगस्त को हम देश की आज़ादी का जश्न मनाने और आम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए तिरंगा झंडा फहराते हैं। 1947 से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था और वह अपनी मर्जी से यहां शासन चलाते थे। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने के अधिकार से रोका जा रहा है, तो लगता है कि दिल्ली में कोई नए वायसराय आए हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का राज होता था। अंग्रेज एक वायसराय को भेजते थे जो अपनी मन मर्जी से सरकार चलाता था। भारत के लोगों का उस सरकार में कोई अधिकार नहीं होता था, कोई आवाज नहीं होती। तो हम 15 अगस्त को झंडा लोकतंत्र के लिए फहराते हैं, आज़ादी के लिए फहराते हैं, भारत के लोगों की आवाज़ सुनने के हक के लिए फहराते हैं। लेकिन आज एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि एक नए वायसराय आ गए हैं, एक नए वायसराय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है।